सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 15वां, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15.1। 15.1 के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं आज। तो चलिए, तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस क्षेत्र की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार खेत है। क्या है? वृत्ताकार खेत। तो ये मान लीजिए वृत्ताकार खेत। आगे बात सुन, क्या कह रहा है, वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। तो बाड़ तो खेत के चारों तरफ ही लगेगी, यानी कि खेत के चारों तरफ, आरी बात सुन, यानी कि उसकी परिधि पर लगेगी बाड़, क्लियर है। तो बाड़ लगाने का व्यय कितना है, ₹5,280 है, यानी कि ₹24 प्रति मीटर, यानी एक मीटर के कितने, ₹24। तो टोटल रुपए कितने लगे, 5,280। तो ये जो परिधि है ये हम ज्ञात कर लेंगे, टोटल व्यय है ₹5,280 और एक मीटर का व्यय है ₹24। तो कितने मीटर बाड़ है, 5,280 में हम 24 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी परिधि, यानी खेत की परिधि आ जाएगी। आगे बात समझ, खेत की परिधि आ जाएगी तो फिर हम खेत की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, खेत की त्रिज्या। आरी बात समझ, खेत की त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में हम करेंगे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात। आगे बात समझ, उसके बाद में दे रखा है कि 0.5 यानी कि आधा रुपया, आगे बात समझ, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर खेत की जुताई, जुताई करना मतलब यानी खेत को जोतना, आरी बात समझ। तो कितना टोटल क्षेत्रफल होगा, कितने वर्ग मीटर होगा और प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना है, 0.50 रुपये। तो हम वो आपके जुताई का व्यय भी ज्ञात कर देंगे, क्लियर है। तो आंसर देखिए, आई बात सुन, तो अब देखिए, चूंकि एक मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है, ₹24 है, ₹24 कितना है, ₹24, इसलिए ₹5,280 में कुल बाड़ कितनी, 5,280 / 24 कितनी हो जाएगी, देखिए 24 का भाग दे, 24 × 2 = 48 कितनी बार गया, 2 बार, 48 × 4 = 52, 24 × 2 = 48 0 मीटर। आगे बात सुन, अतः खेत की बाड़ यानी खेत की परिधि, अतः खेत की परिधि कितनी हो जाएगी, 220 मीटर। आ रही बात में, क्या कह रहा है,
बाड़ लगानी है। बाड़ किस पे लगेगी? खेत की परिधि, यानी कि खेत की परिधि पे ही लगेगी। अब देखिए, एक मीटर बाड़ लगाने का भी है 24 रुपये, तो 5,280 रुपये में कुल कितनी बाड़ लगेगी? 220 मीटर। आगे बात समझे, और ये 220 मीटर क्या है? खेत की परिधि है। अब खेत की परिधि आ गई आपके पास में कितनी? 220 मीटर। अब हम मानेंगे, माना खेत की त्रिज्या कितनी है? R। आगे बात समझे, इसलिए अब देखिए परिधि आपको दे रखी है कितनी? 220 मीटर। 2πr बराबर कितना है? 220। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ से R ज्ञात कर लेंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 220 बटा 2, पाई का मान 22/7 ऊपर आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? एक बार, 10 बार, 2 से 5, 7 × 5 35, तो R बराबर 35 मीटर। यानी खेत की त्रिज्या आपके पास में कितनी आ गई? 35 मीटर। अब देखिए, खेत की जुताई करनी है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? खेत का क्षेत्रफल। अतः खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7 इंटू 35 × 35, गुणा कर लो कितना आ जाएगा? 5। 22 × 5, 5 × 10, 5×10 = 11, 111 × 35, तो 110 को 35 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 0। और 35 को 1 से करेंगे तो 5 × 3, 35 × 36 = 38 वर्ग मीटर। ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3850 वर्ग मीटर। अब दिया हुआ है क्या? खेत की जुताई करने का वे, चूंकि 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करनी है। आगे बात समझ में, चूंकि एक वर्ग मीटर खेत की जुताई का व्यय बराबर कितना है? 0.50 रुपये। इसलिए अब खेत पूरा कितना है, यानी कितने क्षेत्र की जुताई करनी पड़ेगी आपको? 3850 वर्ग मीटर के। तो एक वर्ग मीटर का व्यय कितना है? 0.50, तो 3850 वर्ग मीटर का। इसलिए 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई का व्यय बराबर कितना हो जाएगा? 3850 × 0.50, इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तो बराबर, हाँ इसे गुणा कर लेते हैं तो 0.50, तो आप यहाँ पे ये जीरो तो हटा भी सकते हो, तो सीधा इसे गुणा कर लीजिए किससे? 3850 को 5 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0। 5×25 हासिल की 2, 8×40 = 41, 7×42 = 4, 5×15 = 4, 19, और 1 के बाद में पॉइंट लगा लेना, तो ये कितना आएगा? लगभग 1925 रुपये। आगे बात समझ, 3850 को 0.50 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1925। आगे बात समझ, तो खेत की जुताई कराने का व्यय कितना आएगा? 1925 रुपये। अतः खेत की जुताई कराने का व्यय 1925 रुपये होगा। आर्य बात समझ में? देख लीजिए वापस एक बार प्रश्न, क्या कह रहा है? खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है आपको किससे? 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो उसके लिए आपको खेत की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस कंडीशन से आप क्या ज्ञात करोगे? परिधि, खेत की परिधि ज्ञात करोगे। परिधि ज्ञात होने के बाद में उसे आप त्रिज्या ज्ञात करोगे। त्रिज्या ज्ञात होने के बाद में आप खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे और उसके बाद में व्यय ज्ञात करोगे, तो कितना आ जाएगा? 1925 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 देखे क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक वृत्ताकार घास के मैदान, घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्लियर है? तो देखिए आंसर क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, ये आपका वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35 मीटर। आरी वास में त्रिज्या कितनी दे रखी है, 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ये मान लीजिए इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। आरी बास में यानी कि ये कितना है, 7 मीटर चौड़ा। यानी कि मार्ग की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 7 मीटर। आरी बास में अब क्या कह रहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मार्ग का क्षेत्रफल यानी कि ये आपको एरिया ज्ञात करना है, ये वाला एरिया आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कौन से सूत्र से, दो से केंद्रीय वृत्त। आगे बात में तो देखिए ये 7 मीटर चौड़ा है, तो मार्ग सहित वृत्ताकार घास की त्रिज्या क्या हो जाएगी, घास के मैदान की त्रिज्या 35। तो ये वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या है, फिर 7 मीटर ये क्या है, मार्ग है, तो 35 और 7 42। आ रही बात समझ में, तो देखिए हाँ, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, हाँ तो माना वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R1। त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R1। अतः R1 बराबर क्या हो जाएगा, 35 मीटर, क्योंकि वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है। आगे बात समझे, अब देखिए तथा मार्ग सहित, यानी कि जब हम मार्ग को भी शामिल कर लेंगे तो मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, R2। आगे बात समझ, अतः R2 क्या हो जाएगी, देखिए वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या प्लस मार्ग, आगे बात में तो आर क्या हो जाएगा, 35 प्लस 7 बराबर 42 मीटर। आ रही बात में, तो देखिए वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है, 35, और मार्ग को भी शामिल कर लेते हैं तो वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या क्या हो जाती है, 42 मीटर। अब क्या कह रहा, मार्ग का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
वृत्ताकार यानी कि त्रिज्या सॉरी मार्ग सहित वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, उसमें से ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आप घटा लीजिए। क्लियर है? तो अब देखिए, अतः मार्ग का क्षेत्रफल, अतः मार्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताना, इस वाले घास के मैदान के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा लेना है, तो क्या आ जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। आ रही बात समझ? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई आ गया कॉमन, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटा 7, आर टू यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो यहाँ से बराबर कितना आ जाएगा, 22 बटा 7। हाँ, 42 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 42 को 42 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हासिल की 1, 4 चौ 16 एक 17, 1764। इसमें से घटाना है क्या, 35, तो 35 का क्या हो जाएगा, 4 तिर 1225, तो 22 बटा 7, हाँ घटा लीजिए, तो 1764 में से 1225 घटाना है, 14 में से 5, 9, 5 में से 2, 3, आगे बात समझ, 7 में से 2, 5, 539। अब 7 से काट दीजिए, कितने बार, 7 × 7 49, और कितना बचेगा, 49 और 453, 7 × 7 49, आगे बात समझ, तो 22 × 77, तो 77 को फिर 22 से गुणा कर लीजिए, तो 7 × 14 = 4 हासिल की 1, 7 × 14 14 × 14 = 28, 29 का 9 का हासिल की 2, 7 × 14 = 15 16, 1694 वर्ग मीटर। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका आ जाएगा क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1694 वर्ग मीटर। तो फाइनली आप लिख लोगे, अतः मार्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1694 वर्ग मीटर। सिंपल सा है, क्या कह रहा है, ये घास का मैदान है, वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। आगे बात, तो जब मार्ग को भी सम्मिलित कर लेंगे तो इस वृत्ताकार भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगी, 42 मीटर। अब आपको केवल क्या ज्ञात करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मार्ग सहित वृत्ताकार घास के मैदान का क्षेत्रफल, उसमें से घटा लीजिए क्या, घास के मैदान का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या है आंसर, 1694 वर्ग मीटर। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एबीसीडी वाला है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? तो दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए आंसर इसका कौन सा था, मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या आर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, यानी कि ये चीज दो सेकेंद्रीय वृत्तों की, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर। आगे बात समझ? तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल, तो पाई आ गया कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे बात, तो लेकिन आंसर कौन सा, तो देखिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो पाई आर माइनस आर आर प्लस आर, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाला, तो इसका राइट ऑप्शन कर लीजिए आप बी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ये वाला आंसर ऑप्शन बी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो एबीसीडी वाले है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, क्वेश्चन नंबर 10, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, यानी कि दिया है R1 4 सेंटीमीटर तथा R2 3 सेंटीमीटर, यानी कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा, तो R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, अतः वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बड़े वाली त्रिज्या में से छोटी वाली हमेशा क्या करनी है आपको? घटानी है। आर्यवास में तो 22/7 R1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ जाएगा? 22 वर्ग सेंटीमीटर। तो देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 22 वर्ग सेंटीमीटर, आप 22 वर्ग सेंटीमीटर लिखो या इसको 22 सेंटीमीटर, इसको दोनों एक ही चीज है। आरिवास में दोनों क्या चीज है? एक ही चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।